हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज बूटीज लेके आई हूँ। इसे मैंने दो कलर से बनाया है, ऑरेंज और येलो है, और 11 नंबर की नीडल यूज़ की है और 4 प्लाई की वूल है और साइज़ 5 नंबर है। ये इसको मैंने ये देखिए, यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया 3 फंदों से। पहले ये वाला अपर पार्ट बनाया है येलो कलर से, यहाँ से स्टार्ट करा है अपर पार्ट इसका, ये बनाया येलो से, फिर इसके बाद ऑरेंज से स्टार्ट किया यहाँ। तो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी। और इसकी जो लेस है ये क्रोशिया से बनाई है, देखिए बॉटम ये बो दो कलर की बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए येलो कलर से 3 फंदे डालूँगी, 3 फंदे से ये शुरू होगा। अभी मैं बुनना स्टार्ट करती हूँ। मैं ये गार्टर स्टिच से बनाया है, अब ये देखिए एक एक फंदा इसमें, अब दोनों तरफ से मैं बढ़ाती जाऊंगी। ये मेरी राइट साइड है तो मैं राइट साइड से एक एक फंदा बढ़ाती जाऊंगी। ऊन को आगे किया और फिर एक फंदा बढ़ा दिया इसमें, बीच वाले फंदे को बुन लिया और एक फंदा इसमें लास्ट वाले फंदे से पहले एक फंदा और बढ़ा दिया और इस फंदे को भी बुन लिया। इसके बाद रॉन्ग साइड से ये पांचों फंदे बुन लिए। एक दो तीन चार और ये पांच, ये देखिए। अब फिर हमें राइट साइड से ही फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया बगैर बुना हुआ, ऊन को पीछे किया और एक फंदा बढ़ा लिया इस तरीके से और ये फंदे बुन लिए। अब फिर एक फंदा बढ़ा लिया और इस फंदे को बुन लिया। अब रॉन्ग साइड से हम इनको फंदों को पूरा बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड पे कोई फंदा नहीं बढ़ाना, अब राइट साइड पे फिर हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ा देंगे ऐसे और फिर इन फंदों को बुन लेंगे। अब इधर भी एक फंदा बढ़ा देंगे। रॉन्ग साइड से इन्हें सारा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ेगा।
फिर फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ गया, फिर बाकी फंदे बुन लेते हैं हम। फिर एक फंदा बढ़ा देते हैं, देखिए इस तरीके से। रॉन्ग साइड से हम सारे फंदे बुन लेते हैं। दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ। अब राइट साइड से फिर फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ा दिया मैंने और ये बाकी फंदे बुन लेती हूँ। इसको मैं एक फंदा और बढ़ा देती इधर। मैं रॉन्ग साइड से पूरे बुन लेती हूँ। अब राइट साइड से फिर फंदे बढ़ेंगे। अब बाकी फंदे बुनने के बाद जब लास्ट का एक फंदा रह जाता है तब हम राइट साइड से एक फंदा बढ़ा देंगे। यह एक फंदा बढ़ जाएगा, देखिए। तो इसी तरह मुझे यहाँ 27 फंदे करने हैं, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक 27 फंदे हो जाएंगे। 27 फंदे हो गए। यहाँ तक 27 फंदे करने के बाद फिर एक एक दोनों तरफ से घटेगा, वो मैं बताती हूँ। पहले 27 फंदे कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 27 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद मैं घटाना शुरू करूँगी। देखिए राइट साइड से ऐसे एक फंदा घट गया और बाकी बुन लेते हैं। ऐसे हमें इस रो के लास्ट में भी ऐसी फंदा घटाना है। तो दोनों तरफ से एक एक घट जाएगा, जैसे बड़े थे वैसे अब घटेंगे। अब ये देखिए ये दो फंदे, जब तीन रह जाते हैं तो दो फंदे में से एक घटा देते हैं और इसको बुन लेते हैं। ये देखिए एक फंदा घट गया, एक रो में से दो फंदे घट गए। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से मैं इन सब फंदों को बुन लूँगी। रॉन्ग साइड पे ना कोई बढ़ता है ना घटता है।
अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे फिर एक फंदा घट जाएगा, देखिए इस तरीके से इसको ऐसे किया, ऊन को पीछे किया और ये दो फंदे दो का एक ऐसे। इस तरीके से फंदा घट गया और बाकी फंदे बुन लेते हैं और लास्ट में जब तीन रह जाते हैं तो उसमें से भी दो का ही कर देते हैं। ये देखिए अब तीन रह गए, इनमें से दो में से दो का एक कर दूंगे, एक घट गया इसे बुन लूंगे। और रॉन्ग साइड्स पे, अब रॉन्ग साइड पे कोई फंदा नहीं घटेगा, इसे मैं पूरी रो ऐसी बुन लेती हूँ। मैं ये दोनों तरफ से तब तक घटाती रहूँगी जब तक सात फंदे ना रह जाएं। तो 14 फंदे घट जाएंगे, 7 फंदे रह जाएंगे। एक बार और दिखाती हूँ आपको, देखिए ये धारा और फिर राइट साइड से ही दो का एक बैक लूप से दो का एक। ये देखिए एक घट गया फंदा, बाकी फंदे बुन लूँगी और लास्ट में जब तीन फंदे रह जाते हैं तो उसमें भी एक फंदा घटा देते हैं, हम दो का एक कर देते हैं। ये देखिए लास्ट में तीन फंदे रह गए, तो हम पहले दो फंदों में से दो का एक कर देते हैं और इसे बुन लेते हैं। इसी तरह मैं दोनों तरफ से घटाती जाऊंगी, इधर से और जब सात फंदे रह जाते हैं तब मैं घटाना बंद करूंगी। इस तरीके से ये वाला यहाँ तक 27 फंदे आके यहाँ से घटे हैं और यहाँ सात फंदे आके रोक दिए हैं। फिर कलर चेंज होगा, मैं उसके बाद बताऊँगी आपको। ये देखिए यहाँ से घटाते हुए 7 फंदे रह गए हैं, दोनों तरफ से मैंने घटा दिए, अब 7 फंदे रह गए हैं। अब 7 फंदे के बाद 7 फंदे जब बच जाते हैं तो हम ये कलर चेंज करेंगे, ये ऑरेंज वाला। तो देखिए इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको, मैं इसको ऐसे बुन लेती हूँ। और येलो कलर को कट, इसको कट कर देते हैं। अब ऑरेंज कलर से मैं बुनूंगी। ये देखिए अब हम इस साइड से एक एक फंदा उठाते जाते हैं ऐसे, इस तरीके से। इस तरफ से मैंने एक फंदा उठा लिया, अब इधर इसको हम बुनते जाएंगे।
अब ये देखिए ऊन को आ गया क्या, अब यहाँ से भी एक फंदा उठा लेते हैं, इसको टर्न कर लेते हैं। फिर इस साइड से एक फंदा उठा लेते हैं, यहाँ से ऐसे टर्न किया, अब दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाना है। उनको आगे किया और इधर से भी ये वाला एक फंदा उठा लिया, यहाँ से यहाँ तक ये फंदे उठाने हैं, यहाँ तक बताती हूँ मैं आपको। फिर यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं, ये फिर उनको आगे किया और इधर से भी एक फंदा उठा लेते हैं, ये वाला, यहाँ से यहाँ से एक फंदा उठा लेते। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाने हैं और यहाँ से यहाँ तक, वैसे तो यहाँ तक भी उठाने हैं पर मैं अभी बता रही हूँ यहाँ तक उठा के, यहाँ तक दोनों तरफ से मैं यहाँ तक फंदे उठा के फिर दिखाती हूँ आपको, फिर बताती हूँ क्या करना है। जब हम इतना बुन लेते हैं तो एक नीडल और लगा लेते हैं इसमें, क्योंकि बीच में ये थोड़े बुनने में परेशानी आएगी, तो हम इस तरीके से ये देखिए एक नीडल और लगा लेते हैं बुनने के लिए, ऐसे वैसे यहाँ से उठाते जाते हैं, ऐसे ऊन आगे करके उस फंदे इसमें ये फंदा उठा लेते हैं, टर्न किया इसको, ऐसे हम बुनते जाते हैं, थोड़ा बुनने में आसानी हो जाती है एक नीडल और लगाने से। बुन लिया मैंने, अब इस नीडल से यहाँ बुन लूँगी, तो यहाँ तक ऐसे यहाँ तक ये फंदे उठाने हैं दोनों तरफ से, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने
यहाँ से यहाँ तक फंदे दोनों तरफ से उठा लिए हैं। ये टोटल 49 फंदे हो गए हैं, ये देखिए दोनों तरफ से यहाँ से उठाए हैं और यहाँ से उठाए हैं, तो टोटल 49 फंदे हो गए हैं। अब मैं इन फंदों को इस तरीके से घटाती जाऊँगी। ये देखिए यहाँ तक ये 49 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से एक एक फंदा घटेगा, यहाँ तक घटना है फंदा, जब तक 7 फंदे ना रह जाएं। यहाँ तक एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाऊंगी तो यहाँ 7 फंदे रह जाएंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। अब मैं इसको एक एक फंदा घटाती हूँ, तो देखिए राइट साइड से मैं फंदा घटा रही हूँ, दोनों तरफ से राइट साइड से ही घटेंगे ये। इस तरीके से बैक लूप से लेते हुए ऐसे एक फंदा इस साइड से घट गया, ये देखिए जब लास्ट के 3 फंदे रह जाते हैं तो हम इसमें से एक फंदा घटा देते हैं इस तरीके से और इसको बुन लेते हैं। तो अब ये दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया है, और रॉन्ग साइड से कोई फंदा नहीं घटेगा, रॉन्ग साइड को हम ऐसे ही फंदे पूरे बुन लेते हैं, सारे फंदे मैं बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद राइट साइड पे आते हैं जब मैं बताती हूँ आपको। और इसी तरीके से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटना है। अब हम राइट साइड पे हैं, राइट साइड पे भी इसी तरह घटाना है जैसे बताया आपको। एक फंदा उतार लिया, फिर अगले दो में से एक कर दिया, एक फंदा इस साइड का घट जाएगा बैक लूप से और एक फंदा लास्ट में घटेगा। इसी तरह मुझे जब तक घटाना है ये, जब तक कि 7 फंदे नहीं रह जाते। एक इधर से घटेगा, एक इधर से घटेगा राइट साइड से, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ ये पूरा। देखिए लास्ट में हम आ गए, तो ये दो का एक कर देती हूँ मैं बैक लूप से, ये देखिए, और इस लास्ट वाले फंदों को हम बुन लेते हैं। इसी तरह ये सारे दोनों तरफ से सीधी तरफ से फंदे घटते जाएंगे और लास्ट में जब तक कि 7 ना रह जाए, 7 फंदे जब तक हो जाते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ से दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए 7 फंदे रह गए हैं मेरे, अब घटाना छोड़ दिया मैंने, ये बॉटम है ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद मैं इसको देखिए कैसे बुनती हूँ, ये देखिए
सात फंदों को मैंने ये बुन लिया। अब इसके बाद इस साइड से मैं एक फंदा उठाती जाती हूँ, ये देखिए, और इनको बुन लेती हूँ। अब यहाँ से बुनने के बाद इस साइड से भी एक फंदा उठा लेती हूँ, यहाँ से ऊन को आगे किया और ये फंदा यहाँ से उठा लेती हूँ, ये वाला। अब इसको मैं फिर उसके बाद इसी तरीके से दोनों तरफ से फंदे उठाते जाना है। इस तरफ से ये वाले हर स्टिच में से एक, हर स्टिच में से मतलब अभी मुझे 22 फंदे करने हैं। पहले यहाँ से उठा लेती हूँ, ये यहाँ का उठा लिया फंदा, अब मैं इसे बुन लेती हूँ। अब इधर से एक फंदा उठा लेती हूँ, इधर ये वाला स्टिच, ये देखिए। तो इस तरीके से दोनों तरफ से उठाते हुए मुझे ये टोटल 22 फंदे करने हैं। तो जब ये 22 फंदे हो जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों तरफ से उठाते हुए 22 फंदे तक इस कलर के उठाने हैं, ठीक है। मैं भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये 22 फंदे तक मैंने दोनों तरफ से उठा लिए थे इस ऑरेंज कलर से। बस इस ऑरेंज कलर का अब ख़त्म ये काम, अब मैं इसमें येलो कलर चेंज करती हूँ। ये देखिए इस कलर का, अब ये मैं येलो कलर से बुनूंगी तो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से मैं एक फंदा मुझे उठाना है, तो यहाँ से मैं एक फंदा उठा लेती हूँ येलो कलर से, ये देखिए इस तरीके से। ये मैं अभी टाई कर दूंगी इसको, एक फंदा उठा लिया, मैं इसको बांध देती हूँ। एक फंदा येलो को उठा लेती हूँ इस तरीके से, इसको निकाल के इन दोनों को बांध देती हूँ। और इन फंदों को मैं बुन लेती हूँ। ऑरेंज कलर के ऊन से अब सिर्फ ऊपर की लेस और बो बनेगी। अब ये देखिए यहाँ इस तरफ से मैं ऐसे ही हर स्टिच में से एक फंदा उठा लूँगी, ऐसे यहाँ तक मुझे उठाने हैं, यहाँ तक दोनों तरफ से। मैं आपको दिखाती हूँ,
अब ये देखिए इधर से दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाती जाऊंगी मैं और इस तरीके से ऊन को आगे किया और यहाँ से एक फंदा उठा लिया इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं फंदे उठाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरे मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे दोनों तरफ से उठा लिए और इतने फंदे हो गए हैं। मैं एक सिलाई मैंने आ रहे थे तो मैंने दूसरी सिलाई लगाई है। अब मैं इन फंदों को घटा देती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये वाला पोर्शन है ऊपर ये वाला। इसके बाद ये क्रोशिए से मैं इसकी लेस बनाऊँगी। फिर इन फंदों को मैं दिखाती हूँ, ऐसे बंद कर देते हैं। ये देखें इस तरीके से एक ये देखिए मैंने फंदे बंद कर दिए यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ के। ये देखिए स्ट्रेचेबल है कितने। अब इस वाले ऊपर वाले के उसमें ये जो है किनारी इस पर मैं ये वाली लेस बनाऊंगी क्रोशिए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ऑरेंज कलर से बनेगी ये। से स्टार्ट करते हैं। अब हम बैक लूप से बनाएंगे, बैक लूप से ऐसे बैक साइड से सिंगल क्रोशिया लेंगे। बैक लूप से बैक साइड से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसको धागे को सही करती हूँ, इसको इधर से लेती हूँ। और इसको अभी मैं इसको हाइड कर दूंगी इस वाले धागे को। पहले मैं इसको कर दूँ हाइड। बैक साइड से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना हर स्टिच में, ऐसे हर स्टिच में से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना और थोड़ा लूज रखना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक मैं इसको पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये इसकी ऊपर की लेस कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। ये देखिए स्ट्रेचेबल है खूब। अब इसके बाद मैं इसकी ये बो बनाऊँगी। ये देखिए ये वाली बो बनाऊँगी। तो पहले मैं ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगी किस तरीके से। अब ये देखिए मैं इसकी बो बनाऊंगी ये वाली, ये जो बना रखी है। तो पहले मैं ऑरेंज कलर की स्टार्ट करूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसके लिए मैंने डबल पॉइंटेड नीडल ली है और इसमें तीन फंदे डाले हैं। डबल पॉइंटेड नीडल है और तीन फंदे डाले हैं मैंने। अब मैं इसको ऐसे बुनती हूँ। देखिए
और ये देखिए ऐसे मैं इसको तीनों फंदों को बुनती हूँ, सीधा सीधा बुनूंगी दोनों तरफ से। ये कोड बनाने के लिए इस तरीके से, अब इसको मैं इधर ले आऊँगी इसी को, फिर इन तीनों फंदों को बुन लूँगी मैं। ये देखिए हमें मोड़ना नहीं होता, इधर इधर ही ले आते हैं वापस इस वाले पॉइंट पर और फिर तीनों फंदों को फिर सीधा बुन लेते हैं। इसको यहीं ले लेती मैं इसमें, बस एक अपनी तरफ से सीधी तरफ से ही बुनना है इसको। ये हम तीन फंदे बुन लेते हैं फिर इसको यहीं ले आते हैं इधर ही और फिर इसको फिर तीन फंदों को बुन लेते हैं। एक दो तीन, ये देखिए इस तरीके से ये बनती जाती है। और दिखाती हूँ मैं अभी आपको, इन फंदों को यहाँ ले आते हैं हम इस वाले पॉइंट पर और फिर इन तीन फंदों को फिर बुन लेते हैं हम, इन्हें फिर वापस इसी पॉइंट पे ले आते हैं और इनको इस तरीके से जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना हम बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये कोड बनती जाती है। तो मैं जितनी मुझे ये लंबाई इसकी चाहिए तो उतनी लंबाई बना के मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी लंबाई मुझे चाहिए, इतनी मैंने बना ली है। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ तो इस तरीके से, ये देखिए तीनों फंदों को एक साथ ऐसे मैं बंद कर देती हूँ और इसके भी तीन फंदे डालने हैं ऐसे, एक और ये तीन। ये देखिए इसको मैं इसी तरह से बुनूंगी जैसे बुना था अभी। इस इन फंदों को इधर ले आते हैं, पहले इन तीन फंदों को बुन लेते हैं। फिर इनको आगे इधर इधर तक लाते हैं दूसरे पॉइंट तक और फिर तीन फंदों को ही बुनते रहते हैं। फिर इन्हें इधर आगे ले आते हैं, ये देखिए इस तरह से ये कोड बनती जाएगी
और फिर जितनी मुझे लंबाई चाहिए मैं उतनी बना लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ी छोटी कर सकती हैं। ये देखिए, दो तो मैंने ये बना ली है और एक ये बना ली है ऑरेंज। अब इनको, इन दोनों को मैं ऐसे ज्वाइंट कर देती हूँ इनको। ऐसे में इसको कट कर देती हूँ धागे को। ऐसे इसको भी मैं ऐसे, चाहे तो आप इनको ऐसे भी बांध सकती हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इसको ऐसे देखिए, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे दोनों, इस तरीके से दोनों के जो जॉइंट है वो ऐसे रख देते हैं ऐसे। और इसको भी हम ऐसे इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं, और ये एक्स्ट्रा जो ऊन है इसे ऐसे रखते हैं। मैं इसको जोड़ देती हूँ अभी। बाद में कट कर दो। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से दोनों को ऐसे हमें रखना है। येलो वालों को ऐसे रखना है जो हमने सर्कल बनाए हैं इस तरीके से, और ऑरेंज वाले को इसके ऊपर रखेंगे और धागे को, जो एक्स्ट्रा धागे को ऐसे निकाल देंगे। ऐसे निकाल दिया। अब ये देखिए इस तरीके से इसको ऐसे किया, ऐसे हमने उठाया। और इस तरीके से ऐसे हम इसको ऐसे एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ये धागा है जो हमने करा है बचाया था, इसको हम इसके ऊपर लपेट देते हैं। ये देखिए ऐसे, देखिए इस तरीके से। इसको मैं अभी पक्का करके इस तरीके से बन जाएगी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख ली, ये बो कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके साथ इसे अटैच कर देती हूँ यहाँ पर आगे। ये बो लगेगी सुई धागे की हेल्प से, इस सुई की, तो यहाँ मैं इसे लगा देती हूँ। ये देखिए ऐसे मैं लगा देती हूँ इसे बीच सेंटर में इसके। ये देखिए इस तरीके से इसकी बो लग गई है। अब मैं इसे अभी दिखाती हूँ आपको एक बार। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई पूरे। ये देखिए बो इस तरीके से, ये देखिए
के लिए यहाँ से है।